हम लोग लौट रहा है नए रूप में, एक ब्रांड न्यू लुक में। नया नाम है हम, फिर से विशेषों की फैमिली से मिलने को तैयार हो जाइए। वैसे हम में मोना वासु मुख्य रोल में नजर आएंगी। शो शुरू होने से पहले मोना ने लिया अपने गुरु का आशीर्वाद। हम बेसिकली जो शो है दैट इज somewhat based on हम लोग तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में ही देखा है। जब आया करता था तब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे कहानी याद नहीं है, मुझे किरदार कुछ याद है। जैसे हम लोग was about a middle class family and the main protagonists were females, और उनकी कहानी थी, उनकी struggle की कहानी थी। तो हम अगर कहें तो it is the soul is the same but it's a much larger canvas. It's not about a particular family, it's about a particular village. It's a big story of a small village. आज गुरु पूर्णिमा है और एक्चुअली मेरी लाइफ की पहली गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि इससे पहले मैंने सेलिब्रेट नहीं की। और मेरी पहली गुरु है और मुझे उनसे बहुत बहुत प्यार है और थोड़ा सा डर भी है। आज मैं उनके लिए फूल और एक गिफ्ट लेके आई हूँ, तो देखती हूँ उनको अच्छा लगता है या नहीं। सुनने में आया कि कथक डिमांड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, और सब कहते थे कि इस उम्र में आके 25 साल की हो गई, अब क्या सीखोगी, कथक ऐसी चीज है बचपन से सीखनी पड़ती है। तो क्योंकि सबसे मुश्किल था इसीलिए मैंने चुना, क्योंकि जब कोई कहता है कि नहीं हो सकता तो मुझे लगता है कि नहीं, ये होके रहेगा। जो कि बहुत ही स्वीट है, पता नहीं लोग थोड़ी बहुत डरते हैं इनसे, वैसे मैं भी बहुत डरती हूँ, बट देन शी इज वेरी वेरी स्वीट। सिर्फ इनका एक ही रूल है कि ये खिला पिला के मारती हैं। अब उसका क्या मतलब है, दैट शी इज ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन। खा पीट के करो क्लास में, क्योंकि हमने भी अपने गुरु से ऐसे ही सीखा है, ऐसे डिसिप्लिन होना चाहिए, पर इतना भी ना हो कि वो मिलिट्री वाला हो जाए। तो मुझे लगता है कि खेलते खेलते क्लास हो जाए, नहीं तो इकट्ठे आप जब करने लगते हैं तो 15 मिनट में तो सब बिल्कुल हाय हाफने लग जाते हैं। तो मैं अच्छा खासा वक्त देखा, अच्छा हो गया अब चाय पीते हैं, फिर करेंगे 10 मिनट, फिर 15 मिनट, तो फिर खिला पिला के कहते बकरा हलाल किया जाता है, खिला पिला के।